हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि पुली मास सिस्टम पढ़ेंगे और भी कुछ टाइप्स हम लोग देखने वाले हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स और जो शॉर्टरी का यूज़ करने जा रहा हूँ वो लेक्चर नंबर 3 में मैंने पढ़ाया जो है, तो मैंने बोला भी था कि आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा कि मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट और कनेक्टेड बाई स्ट्रिंग के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो यूज़ होने वाला है। और एक और तरीका आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ, तो बहुत सारे तरीके हैं, एक एक करके बच्चों देखते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या है, मोशन ऑफ बॉडी इज कनेक्टेड बाई ए फिक्स्ड पुली। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पुली क्या है, फिक्स्ड, ठीक है। देखिए क्या कहता है सवाल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। कोई कंडीशन दिया रहता है कि m2 ग्रेटर देन m1 एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक पुली से, मतलब एक कोई सीलिंग से एक पुली अटैच है और पुली से एक इस तरह से स्ट्रिंग है, दो मासेस m1 और m2 कनेक्टेड है। हमेशा सवाल में जो है ना जनरली यही दिया रहेगा कि पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, कि पुली भी मासलेस फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग भी मासलेस फ्रिक्शनलेस है। तो हमको पता है कि जब तक एक स्ट्रिंग होगा तो टेंशन क्या होगा, एक, और अगर अलग रस्सी आ जाए दो कॉन्टैक्ट पॉइंट के बीच तो अलग टेंशन। यहां पर दोनों मासेस के बीच कितना रस्सी है, सिर्फ एक, तो टेंशन विल बी एक। क्या करते हैं, हमको एक्सेलरेशन वगैरह कुछ निकालना हो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो पहले इंडिकेट कर देते हैं, देखो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एम वन जी, नीचे कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। किधर, ये रस्सी इस ब्लॉक को क्या करेगा, ऊपर की ओर खींचेगा, ये ब्लॉक उसको नीचे की ओर खींचेगा, दोनों सेम। से हम करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक का बनाएंगे, क्योंकि ब्लॉक एक्सेलरेशन कर रहा है। तो जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, सराउंडिंग देखते हैं कि वो क्या करेगा इस पर। सराउंडिंग में है रस्सी, रस्सी इसको क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो सिर्फ यही बनाते हैं, इसीलिए सिर्फ एक ही चीज़ बनाते हैं, वरना ऐसे भी बनाते हैं टी। यहाँ पर देखो ये लग रहा है एम टू जी नीचे की ओर, टेंशन क्या है, अवे डायरेक्टेड। आई गो डायरेक्ट ट्रिक वाइज क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे डायरेक्टेड, कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे डायरेक्टेड। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हम लोग बनाएंगे कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे डायरेक्टेड होगा टेंशन, कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे डायरेक्टेड होगा टेंशन। लेकिन सिंस पुली इज फिक्स्ड, इसीलिए हम लोग इसका नहीं लिखे तो ज़्यादा अच्छा। चल कौन रहा है, ये दोनों ब्लॉक M2 है देखो ग्रेटर यानी हैवियर है, तो ये जाएगा नीचे की ओर, और ये है लाइटर तो ये किधर जाएगा, ऊपर की ओर। सिंस पुली फिक्स्ड है तो जितना ये रस्सी देखो एक्सेलरेट करेगा नीचे, उतने एक्सेलरेशन से किधर जाएगा, ऊपर। तो अभी एक ही एक्सेलरेशन होने जा रहा है, आगे जो लेक्चर्स पढ़ेंगे उसमें होगा मूवेबल पुली, दो तीन पुली चलेगा तो एक रेस्ट में रहेगा, मतलब एक फिक्स्ड है, तो बताओ कि वो कैसे बनेगा। उसमें अलग अलग एक्सेलरेशन होते हैं, अलग अलग टेंशन होते हैं, ठीक। तो उसमें तो 5 मेथड है, लेकिन उसमें से 2-3 आपको बताऊंगा, उसमें भी शॉर्ट ट्रिक है। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, बनाएंगे हम लोग है ना ट्रिक व्रिक से 1-2 लाइन में ही। चलिए देखते हैं क्या करें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो M1 का देखें कैसे बनाएंगे, ये डिटेल मेथड हम लोग देख रहे हैं। इस पर लग रहा है M1 जी नीचे, टेंशन T लग रहा है ऊपर, ये किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। लिखेंगे कैसे, ऊपर जा रहा है का मतलब ये ग्रेटर और ये क्या है, कम। तो नेट फोर्स हो जाएगा T माइनस M1G, क्योंकि उस साइड है, ठीक। देखो जब भी कोई इधर जा रहा हो ना तो समझिए कि इस साइड 10 न्यूटन, इस साइड 2 न्यूटन, इसीलिए हम इधर जा रहे हैं, नेट फोर्स तो ये बड़ा है। तो नेट फोर्स T माइनस M1G इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। M2 का अगर देखें तो क्या क्या लग रहा है, इस पर नीचे है M2G, ऊपर है T, जा रहा है किधर, ये नीचे की ओर जा रहा है। नेट फोर्स इसमें बड़ा कौन होगा, M2G, क्योंकि नीचे जा रहा है। तो बोलेंगे M2G माइनस T, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। करेंगे क्या, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे देखो प्लस T माइनस T क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैंसिल हो जाता है, जैसे उसमें नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल हो गया था लेक्चर 3 में, लेक्चर 4 में सिर्फ T कैंसिल होते जाएगा, क्योंकि टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इक्वल ऑपोजिट हो जाता है। करते हैं 1 प्लस 2, लिखिए जरा। तो टी माइनस M1G LHS LHS अलग ऐड किए ऐसे, प्लस M2G माइनस T इक्वल टू RHS में क्या है मेरे पास, M1A प्लस M2A, ठीक है। देखो प्लस T माइनस T गया, यहाँ पर बच रहा है M2G माइनस M1G इक्वल टू M1। देखो यहाँ से A अगर कॉमन ले लेंगे तो M1 प्लस M2 इंटू A, हेंस A बराबर मेरे पास आंसर आ गया M2G माइनस M1G भागा M1 प्लस कितना है M2, ये आ गया। तो जो एक्सेलरेशन आया है उसके अंदर कौन सा फोर्स आया है, टेंशन चला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गेट्स कैंसल्ड आउट, तो बचा क्या है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स, और वो भी क्या है, देख रहे हो ये वाला नेट फोर्स है।
इधर है ये एम टू जी ग्रेटर हो गया, ये एम वन जी उसका पैर पीछे की ओर खींच रहा है, यानी कि समझो ये 10 न्यूटन टाइप का है, वो ऑपोजिट है 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स आ जाएगा एम टू जी माइनस एम वन जी, यानी ये जो आया है आया वही है नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास में क्या है, दो ब्लॉक है दोनों को जोड़ा हुआ, यानी कि टोटल मास, तो ये मेरे लिए शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब टी निकालने के लिए क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ ए चाहे इक्वेशन वन और चाहे इक्वेशन टू में पुट कर दो, तो बस निकाल लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन में पुट करते हैं, टी माइनस एम वन जी इक्वल टू एम वन ए, यानी क्या है, पुट ए इन इक्वेशन वन या टू में भी पुट करके निकाल लो, एक के लिए हम टेंशन बस निकाल देंगे, ठीक है, कि कैसे पता है पुट करके बस कैलकुलेट ही तो करना है, तो ये उधर चला गया एम वन जी प्लस आ जाएगा एम वन ए, ताकि जो शॉर्ट ट्रिक लगाए ना तो आप लोग को पता चले कि अच्छा कि है ना सच में आंसर आता है कि नहीं आता और कैसे आ रहा है। ए है एम टू जी माइनस एम वन जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, और ये बड़ा हाईलाइटेड सवाल है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। एलसीएम लेते बच्चों, नीचे क्या है एम वन प्लस एम टू, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए इससे हो जाएगा, तो लिखे एम वन जी इंटू एम वन प्लस एम टू हो गया, प्लस एम वन लिख ही दीजिए इसको, एम वन एम टू जी माइनस एम वन का होल स्क्वायर इंटू क्या है जी, मल्टीप्लाई कर, ठीक है, इधर देखिए जरा, तो ये एम वन एम वन एम वन स्क्वायर जी प्लस एम वन एम टू जी प्लस एम वन एम टू जी, खाली एम वन एम वन एम वन जीवन है भरा पड़ा, एक कोलिजन में ना पढ़ाऊंगा वर्क पावर एनर्जी के अंदर, पता ऐसा ही खाली एम वन एम वन एम वन एम वन एम एम वन एम एम टू भी वन होते रहता है, बहुत बड़ा लिखा जाता है और उसका फॉर्मूला भी इतना लेंदी आता है, फिर उसका कुछ तरीका डेवलप किया कि भाई वो कम से कम फॉर्मूला याद कैसे होगा, बहुत टिपिकल था वो, बताऊंगा देखिए ना मजा आएगा, वो एम वन एम वन एम वन एम वन जीवन खाली करते रहे, तो ये दोनों देखिए चला गया, बचा क्या एम वन एम टू जी एम वन एम टू जी, तो टू एम वन एम टू जी हो जाएगा, यानी कि टेंशन कितना आया, टू एम वन एम टू जी भागा एम वन प्लस क्या है एम टू। बच्चों आप देखो कि टेंशन जो है कितना लाइन में आया, एक दो तीन चार पाँच छः छठा लाइन में जाकर के ये आया है, एग्जामिनेशन में आता है, मान लो आ जाएगा तो क्या करेंगे, छः लाइन बनाएंगे क्या, है ना, आप देखिए बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, ठीक, कि टेंशन का ट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, भाई एक ट्रिक नहीं मैं तो दो दो ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, आप दो दो ट्रिक से सेलेक्ट करें कि ये वाला 3 सेकंड में बनेगा कि ये वाला 5 सेकंड में, जिसमें कम वो वाला उठा करके बनाइए एग्जाम में, ठीक, तो ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, देखते हैं कि कैसे, ठीक है, देखिए शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बना लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो अभी हम लोग देख चुके हैं, बस नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, व्हाट इज नेट फोर्स, क्या है नेट फोर्स यहां पर, तो ब्लॉक इधर जा रहा है तो ग्रेटर हो गया कौन, एम टू जी, और ये क्या है सपोर्ट कर रहा है क्या, नहीं ओपोज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर है नीचे की ओर, यानी ओपोज कर रहा है, तो भाई माइनस कर दो, डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो एक्सेलरेशन तो तुरंत निकल गया खटाक से। टेंशन निकालने के लिए पहला टेंशन निकालने के लिए ट्रिक वन देखते हैं, वो है कौन सा, जो पिछले लेक्चर में देखे लेक्चर 3 में, स्वैपिंग ट्रिक, कौन सा है बच्चों, ये उठाए तो दूसर का उठाए तो ये वाला, ठीक, करेंगे क्या, देखो जिस तरह से देख रहे, एक एम वन और एक एम टू है, एक रस्सी से दोनों कनेक्टेड है, एम वन को इधर खींच रहा है एम वन जी से और एम टू को खींच रहा है एम टू जी से, तो ये बस जो ऐसे पुली से लटका हुआ ना, ये दोनों को उठा करके ऐसे अगर स्ट्रेट कर दे तो एक कनेक्टेड बाई ये स्ट्रिंग वाला हो गया, पूरे लेक्चर 3 का टॉपिक ही हो गया, यानी सबसे पहले क्या करें, देखिए M1 है ना, ऐसे बना लीजिए, ये M1 हो गया, रस्सी से कनेक्टेड है M2 से, M2 को खींच रहा है तो देखिए कितना से, M2G से, या किधर रहा है M2 के तरफ, M1 का पैर पीछे खींच रहा है M1G, तो ये हो गया मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, क्या करें स्वैपिंग टेक्निक, ये दोनों के बीच में जो टीटी लगेगा तो एक मेरे लिए समझिए दीवार हो गया, जहां पर हमको टेंशन टी चाहिए, क्या करें स्वैपिंग लगाते, स्वैपिंग क्या कहता है कि अगर M1 उठा रहे हैं ना M1, तो उसका फोर्स उठा लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला नहीं, एक्सटर्नल वाला, तो हो जाएगा M2G प्लस,
और अगर m2 उठा रहे हैं ना तो इसका एक्सटर्नल वाला फोर्स उठाओ, वो कितना है m1g भागा m1 प्लस m2। आपको विश्वास भी नहीं होगा बच्चों आंसर आ चुका है, पता है आ गया। देखिए कितना m1 m2g यानी कि 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस कितना है m2 डायरेक्ट। तो ये भी लिखने का पता है आप, तो ऐसा ही बस डायग्राम देख करके ही आप कर सकते थे, पता है कि ये इधर खींच रहा है ये इधर खींच रहा है, तो M1 उठाए हैं ये वाला ब्लॉक तो उसका फोर्स लिख दो और ये वाला उठाए हैं तो इसका लिख दो, बस देखते देखते ही ऐसी आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये हुआ ट्रिक वन, ठीक। अब देखते हैं हम लोग, पता है एक यूनिवर्सल ट्रिक बताता हूँ बच्चों फॉर टेंशन के लिए, फॉर टेंशन के लिए ही है ना, जिसका बोला जाता है नहीं पॉसिबल है तो लो भाई एक हो गया, दूसर का देखते यूनिवर्सल। ये देखना फिक्स्ड पुली जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए तो एप्लीकेबल है ही ये टेंशन निकालने का तरीका, जिसमें मूवेबल पुली होगा ना, मान लो कि 10-15 पुली है, 3-4 वो फिक्स्ड है, 6-7 वो चल रहा है, जितना चल जाए जितना रुका रहे उसे, सिर्फ क्या है उसमें होता क्या है टेंशन, एक ऐसा चीज जो ट्रिक बता रहे हो बच्चों ना वो क्या है, मतलब दो रस्सी इस तरह से नहीं हो कि इसमें एक T1 लग रहा हो उसमें T2 लग रहा हो या उसमें T3 लग रहा हो, यानी कि अलग अलग मास के बीच कनेक्टेड, अलग अलग मास के बीच कनेक्टेड तो अलग अलग टेंशन हो जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए, रहना चाहिए कब, ये वाला यूनिवर्सल ट्रिक कब अप्लाई करेंगे टेंशन के लिए वो देखे जा रहा है, यूज्ड व्हेन देयर इज ओनली वन टेंशन वैल्यू यानी कि T, या इस तरह से हो T2T 3T 4T तो चलेगा, और यही होता है मूवेबल पुली के अंदर ना, बहुत सारा जो आप देखते होगे पुलीस बहुत सारा है तो उसमें भी लगेगा ये वाला। दूसरा फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली दोनों के लिए लगाएंगे, अभी मेरे पास फिक्स्ड पुली है यानी लगेगा, एक ही टी ही है तो लगेगा, T1 T2 होगा तो वहां रुक जाएंगे, वहां पर ही स्वैपिंग वाला लगा देंगे। कैसे लिखते हैं देखो जरा इसको, T=summation ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टी इनटू जी, कोएफिशिएंट ऑफ टी मतलब जो भी ब्लॉक जैसे हो ना तो उसका टेंशन उसके सामने कितना है, टी है कि 2T है कि 3T है, 3T होगा तो कोएफिशिएंट 3 हो जाएगा, यहाँ टी है तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 1 इंटू टी, तो उसके साथ देखो कितना कोएफिशिएंट आई इंटू जी, जी मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसके साथ अटैच है ना वो क्या है, कभी mg होता है, इंक्लाइंड प्लेन प्लस mg साइन थीटा होता है ना, जो इंक्लाइंड प्लेन पे अलोंग द आता है ये सब, तो वहां पर क्या ले लेंगे जी साइन थीटा, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, तो वो चीज कोएफिशिएंट ऑफ टी इंटू जी, ऊपर नीचे क्या है कोएफिशिएंट ऑफ टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास, बस जो जो मासेस है। अब देखो ये इसमें मैंने क्या लिखा है न्यूमरेटर में, टेक दैट जो वो ब्लॉक लीजिए हुज mg इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, उसका लिखना है तभी तो जी है, रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये ब्लॉक का इंटू जी लग रहा है तो रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन है, उसमें पार्टिसिपेट ये कर रहा है, देखो नीचे की ओर खींच रहा है, M1G इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, क्यों, क्योंकि ये उसके पैर पीछे खींच रहा है, चाहे स्लो डाउन करे चाहे एक्सेलरेट करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो सब यहां उठाएंगे, सब लिखते चले जाएंगे एक एक करके, ये कोएफिशिएंट ऑफ टी का होल स्क्वायर बटे मास जो टेक ऑल मासेस, जितना मासेस प्रेजेंट होगा सवाल के अंदर सारे चीज उठा लीजिए, जैसे कि देखते हैं लिखने की कोशिश करते हैं इस ट्रिक से कैसे, T=, कोएफिशिएंट ऑफ टी इंटू जी, तो यहां पर तो सब रेस्पॉन्सिबल है, तो इसका कोएफिशिएंट देखो एम1 के साथ कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ टी है कितना 1 इंटू mg, तो यहां पर g ही ले लेंगे, इंक्लाइंड प्लेन ये सब है नहीं, ठीक है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ टी 1 आई इंटू क्या है ये g, ये इसलिए दोनों उठाए क्योंकि दोनों रेस्पॉन्सिबल था, डिवाइडेड बाई इस नीचे जो है उसमें सब उठाते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ टी है 1, तो 1 का होल स्क्वायर किस कौन सा ब्लॉक के साथ है वो मास लिखो नीचे, समेशन का मतलब पहले एक मास का लिख दिया फिर प्लस दूसर का मास का, यहां भी समेशन का मतलब पहले एक लिख दिया फिर दूसर का, ठीक है, तो सेकंड वाला का कोएफिशिएंट ऑफ टी कितना है 1, तो 1 का होल स्क्वायर किसके साथ है एम2 के साथ, पता है बच्चों आंसर आ भी गया, सॉल्व कर लीजिए धड़ाक से आंसर आ गया ये वाला, ये आएगा देखो 1g + 1g 2g, m1 m2 lcm चला जाएगा ऊपर, तो 2m1 m2g हो जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है, सॉल्व कर करके चेक करो, तो ये हो गया सब के लिए ये लगेगा। आगे जो है सवाल देखते चलते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन था ना तो सारा चीज सीखने में थोड़ा समय लगा, अब दंदन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, इस तरह से निकालना है, पुली और स्ट्रिंग हमेशा क्या होगा मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, दे के रखा है m1 10 kg है, 10 kg, m2 है 1 kg और m3 है 2 kg, तो सोचो ये 2 kg ये 1 kg, तो 2 1 3 kg यानी इधर लगेगा उसका ग्रेविटेशन लगेगा ना 3g,
mg जो होता है, ये 10 kg का आता है, 10g, तो 10g मतलब 100 न्यूटन हो गया, और 2 × 1 = 3 यानी कि 30, तो ये ब्लॉक जाएगा किधर, जिधर हैवियर होगा उधर जाएगा। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि भाई ये हैवियर है तो इस साइड ये जाएगा, फिक्स्ड पुली है तो रस्सी ऐसे, ये नीचे, ये सब किधर जाएगा, ऊपर की ओर, किधर जाएगा, ऊपर की ओर। अच्छा अब बनाते हैं, यहाँ इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से इस कॉन्टैक्ट पॉइंट तक कितना रस्सी है, एक रस्सी है। पुली जो है फ्रिक्शनलेस और मासलेस है, तो टेंशन इसके दोनों साइड क्या होगा, सेम। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लेट इट बी T1, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा सेम टेंशन होगा, कितना, T1। कॉन्टैक्ट पॉइंट से किधर होता, अवे डायरेक्टेड, ठीक। ये दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट के बीच, अब अलग मासेस के बीच कनेक्टेड है अलग रस्सी, तो अलग टेंशन होगा, यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे डायरेक्टेड, कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे डायरेक्टेड, खटाक, तो T2, ये हो जाएगा T2। इसका देखो एक लगेगा M1g नीचे की ओर, इसका लगेगा M3g, ग्रेविटेशनल जो है ना, सबका बाद में मतलब अलग से बना दिया करो, लग रहा है M2g। डिटेल मेथड में कैसे बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम से। तो बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम से बनाइए, M1 पर लग क्या रहा है नीचे, M1g, ऊपर क्या है, टेंशन T1, आ रहा है किधर, नीचे की ओर, तो यानी ये बड़ा, तो लिखेंगे M1g - T1 = M1a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर M2 का बनाते हैं, M2 पर ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन T1, नीचे क्या क्या लग रहा है, देखिए जरा, M2g लग रहा है नीचे, देखो M2g और एक T2, तो T2 भी लग रहा है, आ किधर रहा है, ये किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर, बस नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। डायग्राम देखते जाइए, लिखते जाइए, ऊपर जा रहा है तो ये बड़ा हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, छोटा, तो यानी कि T1 माइनस इस साइड, तो क्या आ जाएगा, देखो M2g जो पीछे लगे ना, सब्ट्रैक्ट करते जाओ, मतलब समझो 10 न्यूटन इधर, एक हाथ मेरा 1 न्यूटन इधर खींच रहा है, 2 न्यूटन खींच रहा है, 1.5 न्यूटन खींच रहा है, अब हम जाएंगे किधर, इस साइड जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये ग्रेटर है, पीछे सब सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ, दंड। तो T1 माइनस M2g माइनस T2 इक्वल टू आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर M3 का डायग्राम बनाते हैं, क्या है, ऊपर लग रहा है कितना, T2, नीचे क्या लग रहा है, M3g, जा किधर रहा है, ऊपर की ओर, कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स, यानी कि T2 माइनस M3g इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कहता है M3 × a, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्या करना होता है, हमेशा ऐड कर लो इक्वेशन 1 + 2 + 3, यहां से एक्सेलरेशन निकल जाएगा, देखना, -T1 + T1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैंसिल हो गया, -T2 + T2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैंसिल हो गया टेंशन, तो लिखे 1 + 2 + 3, ये क्या आ रहा है, M1g - T1, ठीक है, इधर क्या है, +T1 - M2g - T2 + T2 - M3g, सारा LHS का लिख दिए, और RHS में M1a, M2a, M3a, तो ये हो जाएगा मेरा M1, डायरेक्ट एक लाइन में लिख दे, M2 + M3 × क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, उड़ गया टेंशन उड़ गया, बच क्या रहा है, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन बराबर आ क्या जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा M1g - M2g - M3g डिवाइडेड बाई M1 + M2 + कितना है, M3, ये आ गया। जैसे ही एक्सेलरेशन आ गया, टेंशन T1 निकालना चाहेंगे तो कहाँ पुट कर देंगे, उसी क्वेश्चन में पुट कर दिए, T2 निकालना चाहेंगे तो उसी क्वेश्चन में पुट कर दिए जिसमें T2 है, तो यानी कि ये वाला डिटेल बच्चों मैं निकालूंगा नहीं, आप लोग निकाल सकते हैं पुट करने के लिए, T1 निकालने के लिए पुट ए इन इक्वेशन 1 में है, फिर T2 निकालने के लिए पुट ए का वैल्यू इन इक्वेशन 3, हमेशा किनारे किनारे वाला में पुट कर लीजिए, सिखाए थे कल, है ना, कि दोनों किनारे किनारे, जो सबसे लास्ट वाला उसमें T2 है तो डायरेक्ट निकल गया, सबसे ऊपर जो है उसमें अकेला T1 है निकल गया, जिसमें दोनों हो मत करिए क्योंकि दोनों अननोन है ना, T1 T2, इसीलिए, तो यानी कि ना इतना बड़ा पुट कर करके हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन वैसे बहुत लेंदी हो जाएगा, सीखते हैं तरीका बच्चों, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, इस तरह से बना हुआ तीनों डायग्राम, यहां पर लग रहा था T1,
यहाँ पर लग रहा है T2 और यहाँ लग रहा है कितना T2। शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई एक्सेलरेशन का, सीधा एक लाइन, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। कौन है नेट फोर्स? तो बोले ये ब्लॉक था क्या 10 kg वाला, इधर आ रहा है एक्सेलरेशन ए से, ये सब जा रहा है ऊपर, इसका मतलब ग्रेटर कौन है? ग्रेटर है M1G हो गया ग्रेटर, तो ये सपोर्ट कर रहा है। पीछे कौन कौन खींच रहा है? M2G पैर पीछे खींच रहा है, M3G पीछे खींच रहा है। तो जो जो अपोजिट में खींच रहा हो ना सबको सब्ट्रैक्ट करते चले जाइए। तो यहाँ क्या करेंगे देखिए, M1G हो गया सपोर्ट, मतलब ये सपोर्ट वाला पैर कौन पीछे खींच रहा है? M2G M3G भी खींच रहा है। तो जो जो पैर पीछे खींचे ना सबको भैया दुनिया से बाहर करते जाइए, जो जो जिंदगी में सपोर्ट करे उसका मोटिवेशन लेकर के जो है ना आगे निकल जाइए, सेल्फ मोटिवेशन एकदम, ठीक है। हाँ, डिवाइड बाय टोटल मास, M1 प्लस M2 प्लस कितना हो गया M3, तो ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन। जब भी ओपोज और सपोर्ट ये सब जो कर रहे हैं, नेट फोर्स लिख रहे हैं, उसमें T1 T2 ये सब कभी नहीं लिखाता, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब टेंशन अगर निकालना हो टेंशन, तो ट्रिक वन जो है बच्चों देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ यही ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि T1 T2 है, अलग अलग वेरिएबल हो गए, T1 T2 T3 ऐसे, तो क्या सिर्फ इसी से निकालेंगे, ठीक। वो कौन सा? स्वैपिंग वाला, ठीक। तो डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ, टेंशन ट्रिक स्वैपिंग। स्वैपिंग वाला क्या है? तो जो ये हैंगिंग इस तरह से इसको उठा करके स्ट्रेच करके ना सीधा कर दो, तो सीधा करे तो ये है M1, ठीक है। M1 से एक रस्सी है, फिर है M2, तो यहाँ पर एक रस्सी है, ये है M2, उसके बाद फिर एक रस्सी है M3, तो फिर एक रस्सी है, वो क्या है M3। देखिए M3 का खींच रहा है एक्सटर्नल M3G, देखो इस डायरेक्शन में खींच रहा है बच्चों, ठीक है। उसी डायरेक्शन में है M2G, तो उसी डायरेक्शन में क्या है M2G, और ये ब्लॉक जा किधर रहा है? M1G है, ये दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये पीछे पीछे M1G लग रहा है इस डायरेक्शन में, ब्लॉक जा किधर रहा है आगे की ओर। M1 और M2 के बीच है T1, ये दोनों के बीच है T2, बना लिए इस तरह से। अब क्या है बड़ा बढ़िया से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक तरीका है सीखने का है ना, अक्सर नहीं तो शॉर्ट ट्रिक लगाने में गलती हो सकता है, बढ़िया से देखिएगा। हमको T1 जब निकालना हो, क्या निकालना हो T1, क्या करें इसके बीच, तो एक दीवार बना लिए, ये दीवार है T1, इसके लेफ्ट साइड में टोटल मास मेरे पास कितना है M1, और उस साइड टोटल मास मेरे पास कितना है, दो मास है, कितना है M2 और एक और है M3, ठीक है। दीवार के उस साइड इस साइड M1 पर एक्सटर्नल कितना लग रहा है, तो वो लग रहा है M1G, और M2 M3 पर देखिए क्या है, तो एक लग रहा है M2G और M3G, तो हम दोनों लिखेंगे ना कि किनारे वाला, एक्सटर्नल लिखते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लिखते हैं। तो M2G इधर लग रहा है, M2G इधर लग रहा है, ठीक। M3G भी किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, लग रहा है। कैसे टेंशन सीखा है बच्चों, कैसे सिखाए टेंशन? अगर ये उठाओ M1 तो उसका एक्सटर्नल फोर्स, तो संयोग देखो बड़ा बढ़िया, उसका एक्सटर्नल फोर्स दो लग रहा है, पहली बार ऐसा आया, दो लग रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑपोजिट दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो M2G प्लस क्या लिख दिए, M3G, दोनों एक ही डायरेक्शन में, प्लस करके लिख दिए प्लस। अब ये जब मास लिखेंगे ना M2 प्लस M3, तो इसका फोर्स लिख देंगे, एक ही को है तो कोई दिक्कत नहीं है, M1G भागा टोटल मास M1 प्लस। सोचो कि कितना जल्दी बच्चों लिखाएगा, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम में हम खाली M1 M2 ऐसे बनाएं और सीधे जो है क्या है आंसर लिख दिए, तो T1 ऐसे निकल गया। T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर ऐसे खींचेंगे इस दीवार के पास, इस दीवार के पास, तो बोलेंगे इस दीवार के इधर है M3, इस दीवार के इधर है कौन, M2 प्लस M1, बनाते हैं T2 के लिए ना, T2 के लिए। नेक्स्ट पेज में बना दो क्या, ठीक है नेक्स्ट पेज में बना देते हैं। T2 एक दीवार है, क्या है दीवार है, तो दिस इज T2, इस साइड क्या है दीवार के M3, अच्छा, और इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड है क्या M1 प्लस क्या है M2। बनाने का कोशिश करते एक्सटर्नल फोर्स, M3 पर जो है ना M3G इधर लग रहा है, मतलब इस ब्लॉक पर, ठीक। तो हम क्या किए इधर लिख दिए M3G, लेकिन M1 प्लस M2 पे ना गजब तरीके से है, M1 प्लस M2 पे, M1 प्लस M2 अगर देखे
तो एक M1G इधर लग रहा है और M2G इधर लग रहा है, तो जो लग रहा है उसको पहले बनाते हैं। M2G इधर लग रहा है, M1G इधर लग रहा है, दीवार के इधर उधर। अब लिखने का कोशिश करते हैं आंसर, देखेंगे कैसे। ये जब मास लिखेंगे, ये वाला दीवार के इधर वाला मास लिखे, तो उसका फोर्स, उसका फोर्स है M3G प्लस, अगर जब ये वाला मास लिखते हैं तो इसका फोर्स, लेकिन इसका फोर्स लिखने में हो गया गड़बड़। अगर दोनों एक ही तरफ रहता तो ठीक है, M1 प्लस ऐसे कर देते, लेकिन एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो भैया यहाँ पर क्या लिखते हैं, हमेशा नेट फोर्स ही लिखाता है, न्यूटन सेकेंड लॉ वाला सब चीज़ें एक इधर, तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स। लेकिन वो कौन नेट फोर्स होगा, M1G माइनस M2G लिखे या M2G माइनस M1G लिखते, वो हैं नेट फोर्स। आपको पता है नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वो लिखेंगे जिधर वो जा रहा है। तो ब्लॉक ये जा किधर रहा है, इस साइड, यानी ग्रेटर कौन होगा, M1G। ब्लॉक जा किधर रहा है, इस साइड जा रहा है, तो नेट फोर्स लिखेंगे M1G माइनस M2G होगा, M1G माइनस क्या है, M2G। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर, नहीं तो बच्चों अगर नहीं ध्यान दिए तो गलती आंसर आ जाएगा। डिवाइडेड बाई नीचे तो ठीक है, M1 प्लस M2 प्लस क्या है M3। तो इससे क्या हुआ, एक ही लाइन में मेरा आंसर आ गया, ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए जरा, दो मासेस है, एक है M1 एक है M2, एक पुली से कनेक्टेड है, पुली यहाँ से अटैच है, फिक्स्ड पुली। तो ये अगर नीचे जाएगा तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। दे के रखा है कि M1 इज ग्रेटर देन M2, मान लो 10 kg, ये 2 kg, ठीक। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, M1G इसका लग रहा है नीचे की ओर, पुली और ये सब मासलेस फ्रिक्शनलेस है, एक ही टेंशन होगा, तो यहाँ पर T, यहाँ पर कॉन्टैक्ट से अवे डायरेक्टेड होता है, ठीक। इसका देखो M2G किधर लग रहा है, इधर, मतलब जो सरफेस है ना, सरफेस पर लग रहा है M2G, और कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला, तो ऊपर N, तो ये इसको धरती को दबाएगा N। अब देखते हैं कि बच्चों ये भारी है तो ये नीचे जा रहा है, ये नीचे आएगा तो ये किधर जाएगा, आगे की ओर जाएगा, जितना एक्सेलरेशन से जाएगा उतने से जाएगा, जब तक फिक्स्ड पुली होता है तो सेम एक्सेलरेशन। तो हम क्या करें, इसका M1G गौर करो, ये मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, खींच रहा है, इसका M2G रेस्पॉन्सिबल है क्या मोशन के लिए, नहीं, क्यों, कहां, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, ना अपोज करा ना सपोर्ट करा, ये तो बस जमीन को दबाया, तो भाई उधर से एक्शन रिएक्शन पेयर लग कर करके भी क्या है, बैलेंस किए हुए, यानी क्या, ना ये धरती को तोड़ रहा है इस सरफेस को, ना यहां से उछल रहा है ऊपर, तो ऐसा कुछ नहीं, तो दिस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। तो हम लोग इसको लिखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, FBD। सबसे पहले किसका लिखे, M1 का। M1 में ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा है M1G, ठीक है, नीचे है एक्सेलरेशन इधर, तो कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स M1G माइनस T इक्वल टू M1A, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 2 में देखते हैं M2 ब्लॉक हमारे पास है, इस पर T लग रहा है आगे की ओर, और ये ब्लॉक जा रहा है आगे, और तो हम लिखेंगे नहीं, है ना, ये वाला दोनों सब बैलेंस्ड है, इधर इधर तो लिखने की जरूरत है नहीं, अलोंग द डायरेक्शन देखा जाता है बच्चों, तो आगे सिर्फ एक ही फोर्स है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए ऐड कर दीजिए, माइनस टी प्लस टी स्वाहा, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, M1G माइनस टी प्लस टी, इधर आ जाएगा M1A प्लस M2A, ठीक है, चल गया चल गया। तो A डायरेक्ट लिख दे यहाँ से, ये आ गया M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये सवाल कराने के पीछे का एक वजह है, जो कि ना बहुत अच्छा वजह है, कि जब भी हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो हमारा आदत होता है क्या, कि देखो क्या, पुली जब भी देखते हैं तो बोलते हैं अच्छा M1G M2G, तो नेट फोर्स हम लोग गलती करते हैं M1G माइनस M2G लिख देते हैं। नहीं, देखना है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कोई ब्लॉक सरफेस पर रखा हो, तो उसका M G रेस्पॉन्सिबल है भी मोशन के लिए कि नहीं है, शॉर्ट ट्रिक के अंदर भी जो है वो बताएं कि रेस्पॉन्सिबल है कि नहीं, वो चेक करो, तो वो नॉट रेस्पॉन्सिबल है, तो नेट फोर्स एक्सटर्नल सिर्फ M1G डिवाइडेड बाई टोटल मास हो गया। टेंशन कैसे निकल जाएगा बच्चों, यहाँ पर टेंशन निकालने के लिए पुट A इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में पुट करोगे, देखो जरा 1 में कि 2 में, तो ये देख लो सड़ाक से निकल जाएगा, तो पुट इन टू, इन टू धड़ाक से निकल गया जो है अपना, है ना। चलिए, हर चीज का है ना, देखिए शॉर्ट ट्रिक हर चीज का देख रहे हैं,
तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास, नेट फोर्स कौन सा जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सिर्फ है कौन सा, M1G। M2G जो है भैया धरती से बैलेंस्ड है, तो गया कहानी खत्म, तो एक्सेलरेशन तो ऐसे निकल गया। ठीक है, टेंशन निकालने के लिए दो तरीका सीखे हैं, एक तो है स्वैपिंग वाला और दूसरा है क्या, सिर्फ टी 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 है क्या, टी वन टी टू नहीं है क्या सवाल में, नहीं सिर्फ टी है, वाह तो यूनिवर्सल वाला भी लगा देंगे। तो ट्रिक सीख रहे हैं स्वैपिंग ट्रिक वाला में। स्वैपिंग ट्रिक में क्या है, M1 यहाँ है, एक रस्सी से कनेक्टेड है, M2 है यहाँ, M2 के इधर कोई मोशन है नहीं, सिर्फ T, इधर T, M1 को खींच रहा है M1G, आ किधर रहा था ये, नीचे की ओर, तो ये ऐसे जा रहा है। तो बस हमको टेंशन चाहिए, हमको क्या चाहिए, बस टेंशन चाहिए। तो क्या करें, एक दीवार बना दो, स्वैपिंग वाला क्या है, एक दीवार बनाओ जहाँ पर T लग रहा है, तो बड़ा आसान है। ये वाला M2 उठाते हैं तो उसका वाला फोर्स उठा लो, प्लस अगर M1 उठाए हैं तो इसका वाला एक्सटर्नल फोर्स, इस पे एक्सटर्नल, ये वाला नहीं, याद रखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं उठाते हैं, ठीक है, इसका एक्सटर्नल है नहीं है कुछ, तो नहीं है तो स्वाहा, डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2, ठीक है, यही आंसर आ गया, M1 M2G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये हो गया स्वैपिंग वाला, यूनिवर्सल वाला देखते हैं बच्चों, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ट्रिक जो है, इतना चीजें रहता है ना एक सवाल के अंदर बताने के लिए कि क्या करें। ठीक है, ये तो ये नीचे जा रहा है, यूनिवर्सल ट्रिक क्या बोले, टी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ जी का लिखते चले जाओ। तो देखो क्या मोशन के लिए एमजी उसका लिखेंगे जिसका रेस्पॉन्सिबल हो, तो इसका एमजी रेस्पॉन्सिबल, इसका तो जी रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं, तो सिर्फ इसका कोएफिशिएंट है कितना, 1 इनटू इंक्लाइंड प्लेन में है तो जी है, तो जी हो गया, उसका नहीं लिखेंगे। ठीक है, प्लस ये इसमें सब मासेस का लिखते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ टी का जो है क्या है, 1, तो 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कौन सा मास है, नीचे लिख दिया M1, फिर कोएफिशिएंट ऑफ टी का देखिए होल स्क्वायर, यानी कोएफिशिएंट ऑफ टी कितना, 1, कौन सा मास है, M2, बच्चों यही आंसर हो गया, मैच कर करके देख लीजिए सॉल्व करके, ये है ना आ जाएगा, देखिए टी इक्वल टू M1 M2 ऊपर चला गया था M1 M2G और डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा क्या, M1 प्लस M2। ठीक है, वन लाइनर है सब। नेक्स्ट अब आता है इंक्लाइंड प्लेन, है ना, पहली बार क्या आया बच्चों, इंक्लाइंड प्लेन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक दे करके रखा है, M1G ग्रेटर देन M2G साइन थीटा एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। DPP को जरूर सॉल्व करिएगा, DPP मैं जारी करूंगा जल्दी से, है ना, फर्स्ट DPP के अंदर तो सारे वैल्यूज बेस्ड रहेगा 2, 3, 4, ताकि और हाथ जो है ना खुल सके, और सब चीज डिटेल भी बनाना और शॉर्ट ट्रिक से भी बनाना, देखना कि क्या मजा आएगा, कि है ना अच्छे अच्छे लेवल का सब सवाल दूंगा, एग्जाम में पूछे हुए भी सवाल सब DPP के अंदर रहता है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब। ठीक, शुरू करते हैं, देखते हैं ये, तो देखो जब भी ये हैंग्ड है यहाँ से, तो यहाँ लगा M1G, तो यहाँ पर एक ही रस्सी है यहाँ से यहाँ तक, तो एक ही होगा सब मासलेस फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पर टी इधर लगा M2G, तो जब भी इंक्लाइंड प्लेन आता है तो हमको पता है कि भाई इस M2G को एक तो जाता है ब्लॉक, इसको दबाएगा 90 डिग्री, और दूसरा है जो अलोंग द ये लगता है वो कौन होता है, MG साइन थीटा along the plane, बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये पहली बार नहीं देख रहे इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये वाला क्या है MG sin theta, और जो दबाता है ब्लॉक सरफेस को कितना से, MG cos theta से। ठीक है, और MG तो ऐसे स्ट्रेट वर्टिकली लगता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, M2G sin of क्या है थीटा। ठीक है, ये और ये है M2G cos of theta, और यहां पर जो है सरफेसेस कॉन्टैक्ट में, तो एक्शन रिएक्शन पेयर तो वो लगेगा ही, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हम वो लिखते हैं, पता है क्या कि इसका सराउंडिंग में कौन है, ये वेज, वो क्या करेगा वो बताए, तो वो इस पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लगाएगा, ऊपर की ओर, तो हम वो इंडिकेट करते हैं जब M2 का बनाएंगे। लेकिन M1G देखो बोल रहा है क्या, M1G और ये साइड जो लग रहा है वो है M2G साइन थीटा, बोला M1G ग्रेटर है, ग्रेटर है मतलब ये इधर आएगा, तो एक ए एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है तो ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये किधर जाएगा, ऊपर की और ऐसे जाएगा, यानी ये सपोर्ट, ये वाला ओपोज, टेंशन पता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये जो इनक्लाइंड जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर में जो लग रहा है, क्या ये मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है क्या, नहीं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, बैलेंस,
तो कहने का मतलब कि सीखने के लिए बना लिए लेकिन हम इसको लिखेंगे नहीं, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम के तहत कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले M1 है, हो गया, ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा है M1G। मुझे ऐसा आभास हो रहा है, अपेरेंट का फील आ रहा है, अपेरेंट थोड़ा अंग्रेजी हो गया बच्चों, आभास कि आप लोग को आसान लग रहा होगा, ऐसा हमको लग रहा है, पता नहीं सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, आप ही लोग बताना। ठीक, तो नीचे, क्योंकि पहली बार 11th में पढ़े थे ना तो तारा नजर आया, तारा मतलब होता है ना कि पूरे बढ़िया से तारा नजर आया, दिन में भी नजर आ रहा था ब्राइट एकदम सनलाइट एकदम भयानक 12 बजे दिन में भी, कुछ समझे में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो ये हो गया नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एम टू का बनाएंगे तो एम टू है ऐसे, इस साइड लग रहा है, इस साइड लग रहा है, उधर है टी, इस साइड है एम टू जी, जैसे रहे ना वैसे ही डायग्राम बना दिया करना ऐसे, और जा किधर रहा है ऊपर की ओर, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी ऊपर। तो ये हो जाएगा टी माइनस एम टू जी साइन ऑफ थीटा इक्वल टू हो जाएगा, है ना, नेट फोर्स ये बड़ा है इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या करते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए, ऐड, तो ऐड कर देंगे, तो 1 + 2 ऐड कर दीजिए, तो ये है एम वन जी माइनस टी, यहाँ पर है प्लस टी माइनस एम टू जी साइन ऑफ थीटा, LHS LHS और RHS RHS, M1A + M2A, M1A+ कहता है M2A, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला चला गया माइनस टी प्लस टी, तो हैंस एक्सेलरेशन बराबर लिख देंगे देखो M1G माइनस M2G साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई M1 + M2। तो डिटेल्ड में ना ये ऐसे बनाते हैं। टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ ए कोई भी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 या 2, क्योंकि दोनों में टी टी आ रहा है ना, तो किसी भी पुट कर दो उससे निकल जाएगा टेंशन का क्या वैल्यू। बच्चों देखो जरा, ये जो आया है M1G माइनस M2G साइन ऑफ थीटा, तो जब भी हैंग्ड वाला है ना तो M1G, लेकिन जब इंक्लाइंड प्लेन होता है ना तो कौन सा साइन वाला कंपोनेंट हमेशा आता है, कॉस वाला तो पता है बैलेंस हो गया, ठीक है, तो साइन वाला आता है, सपोर्ट किया तो प्लस में, अपोज किया तो माइनस, नेट फोर्स इस तरह से है। ठीक, तो हम क्या करें, टेंशन आप इसमें पुट करके निकाल लेना, मैं आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में एक्सेलरेशन अगर देखेंगे तो ये होगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। नेट फोर्स क्या है, तो बोले M1 हैवी था तो ये इस साइड आ रहा है, ये इस साइड जा रहा है, टेंशन लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये आ जाएगा M1G माइनस M2G, डायरेक्ट लाइन ही आंसर ही लिख देंगे, डिवाइडेड बाई M1 + M2। तो ये हो गया क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा टेंशन कैसे लिखा जाए भाई, टेंशन कैसे लिखा जाए, दो तरीका टेंशन का, स्वैपिंग ट्रिक, स्वैपिंग वाला, खींच करके उसको एक स्ट्रेट लाइन बना दो, खींच करके उसको एक स्ट्रेट लाइन बना दो। तो बोले भाई एक M1 है तो इसको इधर खींचा जा रहा है M1G से एक रस्सी के साथ है, दूसरा है M2 उसके पीछे खींचा जा रहा है कितना से, M2G साइन ऑफ थीटा से, ये लग रहा है दोनों का TT, एक ही टी है तो यूनिवर्सल वाला भी यहाँ पर लग जाएगा, एक दीवार है। स्वैपिंग क्या बोलता है, अगर उठा लिए M1 तो लिख देंगे उसका वाला M2G साइन ऑफ थीटा, और अगर M2 उठा लिए तो ले लेंगे ये वाला, यानी कि M1G एक्सटर्नल भागा M1 प्लस। अब आप लोग पढ़ाओ बच्चों मेरे को, है ना यार, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब ये इससे आगे सवाल ही सब मेरे को नहीं इच्छा करा कि मैं पढ़ाऊँ, आप ही लोग बोलो सर यही लिखते रहिए मैं लिखते रहूँ। यूनिवर्सल ट्रिक कैसे है, यूनिवर्सल ट्रिक क्या कहता है, वो जी 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 या जी साइन थीटा लेना जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, M1G भी रिस्पॉन्सिबल है, और M2G नहीं, M2G साइन ऑफ थीटा वो रिस्पॉन्सिबल है। तो कैसे लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ टी, दोनों का तो टी ही है, तो 1 × 1 एक का है जी प्लस एक कोएफिशिएंट ऑफ है इतना, और वो है क्या, जी साइन ऑफ थीटा। तो देखो कैसे लिखते, ये चीज़ें सीखने की जरूरत है। एक का टेंशन है टी, उसका जी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक, एक का टेंशन टी है तो उसका कोएफिशिएंट 1 हो गया, उसका जी साइन ऑफ थीटा रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए, लिख दिए, हो गया। समेशन है तो प्लस 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 लगाते जाएंगे, नीचे
इसका वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशियंट वन है ना, तो वन का होल स्क्वायर मास m1 के साथ है, फिर ये भी वन ही है कोफिशियंट, तो ये वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कौन हो गया m2। तो ये जो है यूनिवर्सल तरीके से दोनों का आंसर पता है क्या, बोथ आर सेम, चाहे जिधर से आपको अच्छा लगता है आप वैसे लिख दीजिए। ये क्या है, थोड़ा सा रस्सी सीधा भी करना पड़ता है, ये क्या है सीधा भी करने की जरूरत नहीं, जो डायग्राम क्वेश्चन में है ना वहीं से लिख दीजिए धड़ाक से, ठीक है। चलिए अब बच्चों क्या है, दोनों तरफ अगर हो कनेक्टेड तो दोनों तरफ कनेक्टेड हो, अब हम सीख ही गए एक ही रस्सी के साथ है, तो देखो इस साइड लगेगा अल्फा है तो इधर हो जाएगा एम वन जी साइन ऑफ अल्फा, ठीक, एक ही रस्सी है तो टी टी कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे, कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे, इधर क्या लग जाएगा देखो एम टू जी साइन कितना इसके साथ है बीटा, तो ये हो गया बीटा, तो इस साइड एम वन जी साइन अल्फा, उस साइड एम टू जी साइन बीटा इंक्लाइन में दे के रखा है क्या, एम वन जी साइन अल्फा ग्रेटर है, यानी एम वन जी साइन अल्फा ग्रेटर है किसे, एम टू जी साइन ऑफ बीटा से, तो ग्रेटर अगर ये है तो ये आएगा इधर, ये जाएगा उधर, जब वैल्यू पर बेस्ड होगा ना तो आप पहले ये निकालोगे कॉम्पोनेंट, मान लो ये आ गया 10 न्यूटन, मान लो ये आ गया 2 न्यूटन, आप समझ जाओ कि किधर जाएगा, ठीक है। तो वैसे निकाल लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करें हम, एम वन बनाएंगे ऐसे, ऊपर लग रहा है टी, इस साइड लग रहा है एम वन जी साइन ऑफ अल्फा, ये जा किधर रहा है इस साइड, नेट फोर्स ये ग्रेटर, यानी कि एम वन जी साइन अल्फा माइनस टी इक्वल टू आ जाएगा बच्चों एम वन ए, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन टू में किधर है टी ग्रेटर हो जाएगा ना वो, तो एम टू का अगर बनाएंगे तो बोलेंगे इधर लग रहा है टी, इधर लग रहा है एम टू जी साइन ऑफ क्या है बीटा, जा किधर रहा है ऊपर की ओर, तो ये आ जाएगा t माइनस नेट फोर्स जो है साइन ऑफ बीटा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक, दोनों को ऐड कर देते हैं, वन प्लस टू लिख दीजिए एम वन जी माइनस साइन अल्फा माइनस टी प्लस टी, खाली ना वेरिएबल है ना इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिखा रहा है बच्चों, माइनस टी प्लस टी माइनस एम टू जी साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड, मतलब ये आ जाएगा एम वन ए प्लस एम टू ए, सेम चीज लिखा रहा है, नहीं लग रहा बार बार, ए बराबर आ जाएगा एम वन जी साइन ऑफ अल्फा माइनस एम टू जी साइन ऑफ बीटा भागा एम वन प्लस क्या है एम टू, यहाँ भी वही है टेंशन कट गया है, नेट फोर्स आ गया है जो सपोर्ट कर रहा है, और जो मेरा पैर पीछे खींच रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो दुनिया से, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, टेंशन कैसे निकालेंगे, इसको उठा के पुट कर दिए वन या टू में तो टेंशन निकल गया, यानी कि कैलकुलेट तो हो ही जाएगा। शॉर्ट ट्रिक देख ले, तो एक्सेलरेशन देखो डायरेक्ट कैसे लिखोगे, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, नेट फोर्स क्या जा इधर रहा है तो ये बड़ा, ये मेरा पैर खींच रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं एम वन जी साइन अल्फा माइनस एम टू जी साइन ऑफ बीटा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, टोटल मास। टेंशन निकालने के लिए दो रास्ते, टेंशन निकालने के लिए दो रास्ते, अब मैं डायरेक्ट लिखते जाता हूँ मुझे ना, क्योंकि बहुत सीख चुके हम लोग, एक है एम वन रस्सी के साथ कनेक्टेड है, एक है एम टू, एम टू को पैर खींच रहा है पीछे एम टू जी साइन ऑफ बीटा, और इसको लग रहा है इधर कितना एम वन जी साइन ऑफ अल्फा, जा किधर रहा है इधर की ओर, बीच में लग रहा है टी टी दीवार, बहुत बार लिख चुके इसलिए आराम से लिखते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, इधर उठाएं एम वन तो उधर वाला फोर्स लिख दो, तो एम टू जी साइन ऑफ बीटा हो गया प्लस, अगर एम टू इधर वाला लिख रहे हैं तो एम वन जी साइन ऑफ अल्फा, एम वन जी साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई टोटल, ये कर दो, ठीक है। तो ये टेंशन हो गया, सिर्फ टी 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 है क्या, हाँ एक ही है, तो यूनिवर्सल ट्रिक भी लग जाएगा, है ना, यूनिवर्सल ट्रिक लगाने के लिए देखिए सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, यूनिवर्सल ट्रिक लगाने के लिए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ टी, इसका जी साइन थीटा या जी साइन अल्फा जी साइन बीटा दोनों रेस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए, तो कैसे करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ टी है वन, तो वन इंटू इसका क्या जी साइन ऑफ अल्फा हो जाएगा, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन कितना है वन इंटू इसका जी साइन ऑफ बीटा, दोनों तरफ इंक्लाइंड प्लेन है इसीलिए ऐसा, तो सिर्फ जी नहीं, जी इंक्लाइंड है तो साइन अल्फा वाला कॉम्पोनेंट भी लिखते हैं, डिवाइडेड बाई जो कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन है उसका होल स्क्वायर, और वो वन वन ही है ना, आगे के लेक्चर में टू टी थ्री टी सब आएगा, तो डिवाइड में कौन सा मास है भाई एम वन, ये भी वन का होल स्क्वायर है, कौन सा मास के साथ है,
देख रहे हो वन एम टू के साथ एसोसिएटेड है, आंसर आ गया। दोनों को आप कैलकुलेट कर लोगे ना, इसको चाहे उसको, आंसर है सेम। ये वाला यूनिवर्सल ट्रिक हो गया मेरा, और ये वाला स्वैपिंग लिख लीजिए। तो ये रहा बच्चों, अब आते हैं हम लोग, देखते हैं अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन एन एलिवेटर या लिफ्ट। बहुत बढ़िया चीज, हाँ, जो हल्का सा पिछले लेक्चर में झलक दिया था, लेकिन बोले थे कि आगे क्या इतना है। होता क्या है, जब भी हम लोग को एक वेइंग मशीन पर जब खड़ा होते हैं ना, मान लो मेरा वजन जो है 70 केजी है, हम जब वेइंग मशीन पर खड़ा होंगे, अक्सर आप लोग है ना वेइंग मशीन पे प्लेटफॉर्म पे, तो डॉक्टर के पास जब जाते, रेलवे स्टेशन पे भी रहता है, बहुत सारे जगह मॉल वगैरह में भी, तो क्या गए खड़ा हुए देखे, हाँ कितना दिखा रहा है 70 केजी, अच्छा ठीक है। यहाँ पर ना एक चीज आता है, सोच करके देखो, मैं बोलता हूँ विश्वास भी नहीं होगा, क्या मेरे खड़े होने के वजह से वो दिखाया है मेरा वजन 70 केजी है? तो आप बोलेगा हाँ, इसमें कौन बड़ा बात है, आप खड़ा हुए उस पर तभी तो दिखाया 70 केजी। बच्चों गलत है। बोलोगे हैं अच्छा एक काम है, गलत है, हम खड़ा नहीं होंगे तो दिखा देगा वहां पर 70 केजी। ये भी सही है। तो जो बोलने वाला हूँ ना वो गजब है, सही भी है गलत भी है, समझने की कोशिश करिएगा, इसके अंदर बारीकी छुपा हुआ है बच्चों। इसीलिए मैंने बोला था लेक्चर वन में जो समझाए ना पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में 12th का टॉपिक समझा रहा था, इसलिए समझा रहा था ताकि जो है ना ये सब रटंती विद्या ना करना पड़े। रटंती विद्या बड़ा बढ़िया है बच्चों। वेइंग मशीन पर जब हम खड़ा होते हैं, कौन है जो मेरा वेट रीड करता है, तो एक लाइन अंग्रेजी बहुत बढ़िया है, नॉर्मल रिएक्शन रीड्स द वेट ऑफ ए पर्सन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब भी आप खड़ा हो जाओ भाई, नॉर्मल रिएक्शन आपका बताएगा, याद हो गया, न्यूमेरिकल बन गया, वाह हम खुश भी हो जाते हैं। गलत चीज़ें वो क्या है, रटंती विद्या में है बच्चों, मैं लिखता हूँ लेकिन वो रटंती विद्या अभी समझाऊंगा मैं। क्या है, नॉर्मल रिएक्शन रीड करता है, नॉर्मल रिएक्शन रीड्स द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन ए वेइंग मशीन। ठीक है, जब भी वेइंग मशीन में खड़ा होता है, ठीक, ये रटंती विद्या, लेकिन समझते हैं कि कैसे। तो एक मैं उदाहरण देकर के आपको समझाता हूं, ये डिजिटल वाला है ना, दुकान में चले जाना जहां पर, इसके ऊपर 1 केजी का चीनी जब रखोगे ना तो ये 1 केजी दिखाएगा, 1.5 केजी रखोगे ना इसके ऊपर तो 1.5 केजी। ऐसा लगता है कि सच में भाई 1 केजी चीनी लिए हैं, मास टोटल 1 केजी हुआ, रखे उस पर तभी जाकर के 1 केजी दिखाया, बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है। कैसे बताता हूं, ये मेरा उंगली है बच्चों, है ना, यहां से इतना दूर का वजन कितना होगा, क्या 4 केजी हो सकता है यहां से, नहीं, कुछ ग्राम होगा, लेट 10 ग्राम है। मैं क्या करता हूं, आप खुद करना, इसके ऊपर जाना डिजिटल वेइंग मशीन पे, ऐसे रख करके हाथ, और क्या करना पता है, बस टच करना, देखना ये वाला वेइंग मशीन बताना चालू करेगा वेट, ठीक, अब दबाओ दबाओ दबाओ, कस के दबा देना, देखो जितना ताकत है, ठीक, ऐसे करके बस दबा दो, देखोगे आपकी 1 केजी 2 केजी 3 केजी 4 केजी 5 केजी तक भी जा सकता है, और दबाओगे पता नहीं है ना, डिपेंड करता है, दबाते जाओ ये वे बढ़ते चला जाएगा, दिखाएगा 6 केजी 7 केजी, अरे भाई ये मेरा अंगूठा का वजन कभी 5 केजी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो फिर ये दिखाता कैसे है 5 केजी। इससे ये प्रूफ होता है कि मान लो बोलेंगे कि अच्छा सर 5 केजी दिखाया, तो ऐसा करते हैं इतना दूर अंगूठा मैं काट लेता हूं और उस अंगूठा को इसके ऊपर रख देते हैं, कभी 5 केजी दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, लेकिन हम दबाएं तो 5 केजी दिखाया, मामला गड़बड़ है, क्योंकि इतना दूर का जो मेरा उंगली है क्या चीज से बना हुआ, जो भी चीज इसके अंदर मास है वो 5 केजी नहीं है, कुछ ग्राम है, तो 5 केजी दिखाया कैसे। इसका मतलब कि mg, इतना दूर का मास ले लो, mg जो ग्रेविटी जो वेट है ना वो यहां नहीं दिखाता है, कुछ और दिखाता है, क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, क्या दिखाता है बच्चों, ये है वेइंग मशीन। क्या है ये, देखिएगा काहे इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना पहला लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे, उसमें हो सकता है किन्हीं को इरिलेवेंट लग रहा होगा कि अरे यार 11th में ऐसा 12th क्यों पढ़ा रहे हो, कूलम्स लॉ बिल्कुल इसी दिन के लिए पढ़ाए थे सब। देखिए जब हम यहां पर बच्चों खड़ा होते हैं ना, या जब अंगूठा ऐसे रखे थे ना अंगूठा, ठीक रखे, तो जो मेरा अंगूठा का जो मास है एम ना, एमजी तो लग ही रहा है, 10 ग्राम था ये वाला, देखो मास बोलूंगा तो बस केजी या ग्राम है, वेट बोलूंगा तो वो न्यूटन में चलाता है इनटू जी से मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो मास बोलू या वेट बोलू तो उससे आप समझ जाना वो अच्छा ग्राम या केजी के बात आंसर करे, ठीक है, 10 ग्राम है तो उसके अनुसार वो वेट होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जैसा ही अंगूठा और वेइंग मशीन का सरफेस को जब हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं ना, तो बच्चों समझने की कोशिश करो कि भाई ये वेइंग मशीन है, आपने जैसी अंगूठा यहां पर लाया, हुआ क्या,
मेरा अंगूठा का जो एटम्स है और इसका जो अंगूठा का एटम्स है, टू सरफेसेस क्या हो गया पता है, कॉन्टैक्ट में आया, ठीक है। तो दो चार्ज हो प्रोटोन प्रोटोन दोनों आर डिस्टेंस पर हो, दोनों के बीच पता है रिपल्सिव फोर्स लगता है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कितना होता है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दो चार्ज, ठीक। अगर इस दोनों चार्ज को एकदम पता है ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दोनों को जबरदस्ती और सटा रहे हैं, भैया तुम और सटा दोगे ना तो और भयानक रिपल्सन फोर्स लगेगा, सटा दिए, क्या कर दिए यहां पर आर को कर दिए कम, तो और कस के धक्का देगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। देखो आर को कम करो ये वाला इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जाएगा। तो होता क्या, जब भी हम अंगूठा इसके ऊपर रखते हैं ना, क्या किए, इसका एटम्स यानी इसका प्रोटॉन और सरफेस वाला जो ग्राउंड जो है या वेइंग मशीन जो है, दोनों का प्रोटॉन नजदीक आया, एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स लगाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको कि नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, ऊपर नीचे लगा, हम क्या करते हैं दबाएं, तो जब दबाएं और भयानक नॉर्मल रिएक्शन हुआ, और दबाएंगे और दबा रहे हैं और नॉर्मल रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर, और दबाएं और एक्शन रिएक्शन पेयर बढ़ते चला गया। इसका मतलब है कि जब हम अंगूठा से दबाते हैं ना तो क्या होता है, दिस इज कोई भी एक एक्शन बोल दो, कोई भी एक रिएक्शन बोल दो, ये दोनों जो है ना इंक्रीज करते जाता है। mg जो मेरा अंगूठा बना हुआ है ना 10 ग्राम से, वो कभी भी इंक्रीज नहीं करता है। अंगूठा 10 ग्राम है तो 10 ग्राम रहेगा, चीनी अगर 1 kg का है तो 1 kg का रहेगा, लेकिन चीनी 1 kg इस पर रख दे कोई और उसके पास हाथ से ऐसे कस के दबाते जाए तो 1 kg 2 kg 10 kg 15 kg तक वजन बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये मतलब हो गया, यानी हु रीड्स द वेट जो यहां शो करता है, क्या एमजी है, नहीं, कौन है, नॉर्मल रिएक्शन, ये प्रूफ हो जाता है। और वो कहां से आता है, चार्जेस का रिपल्सन के वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के वजह से। ये दोनों कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यही है बच्चों। देखो अच्छा से समझाने में समय लग जाता है, समय, रटंती विद्या बहुत आसान होता है, एक्ट एक लाइन बोले नॉर्मल रिएक्शन रेट्स द वेट ऑफ ए पर्सन, दन दना दन गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन एक बार चीजें समझ में आ गई ना फिर तो जो बोलो सब ठीक लगता है। अब क्या है कि एक लिफ्ट हमारे पास है, उसके अंदर एक वेइंग मशीन है, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। लिफ्ट है रेस्ट में, क्या है, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, निकालना क्या होता है ना, लिफ्ट में आदमी है वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा, 4-5 केस है, लिफ्ट रेस्ट में रहेगा तो बताओ कि वेइंग मशीन क्या रीड करेगा, ठीक है। लिफ्ट ऊपर चल रहा हो, नीचे चल रहा हो, लिफ्ट जो है ना नीचे आते वक्त उसका केबल ही टूट जाए भैया, फ्री फॉल हो जाए, तो बताओ कि ये जो है ना ये वेइंग मशीन क्या वेट रीड करेगा। मेरा 70 kg वजन है, अंगूठा 10 ग्राम वाला जो कहानी है हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, मेरा 70 kg वजन है, हम उस पर जब खड़ा होंगे 70 kg mg तो भैया हमेशा लगेगा, चाहे हम हवा में लटके रहें तो भी mg लग रहा है, चाहे वेइंग मशीन पर खड़ा रहें तो भी लग रहा है, लेकिन अगर हम खड़ा हैं और मेरा मूड़ी ऐसे कस के कोई दबा दे तो 70 से 71, 72, 73 बढ़ने लगेगा, है ना, तो यानी कि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता है, ठीक। तो क्या करें, वेइंग मशीन पर खड़ा है mg, तो लेट इसका m है, तो देखो mg तो बच्चों लग ही रहा है, लेकिन जो दोनों कॉन्टैक्ट में आया तो एक है एक्शन और दूसरा होगा क्या चीज, रिएक्शन। हम क्या करते हैं, लिफ्ट सब रेस्ट में है, देख रहे हैं कहां से, ग्राउंड से, जो कि इनर्शियल फ्रेम कहलाता है, एक लेक्चर ही लेंगे सूडो फोर्स का बच्चों, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल उसमें समझाऊंगा, अभी ग्राउंड से हम जब देखेंगे लिफ्ट है रेस्ट में, वो आदमी भी क्या है रेस्ट में हमको नजर आएगा। तो यहां पर जो भी एनालिसिस करेंगे ना सब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, जो कि इनर्शियल फ्रेम हम लोग बोलते हैं, क्या हमको नजर आ रहा है, आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो इसका एमजी लगा नीचे की ओर और आदमी किसके कांटेक्ट में है, वेइंग मशीन, और वेइंग मशीन इंटर लिफ्ट के कांटेक्ट में, तो वेइंग मशीन है इसके कांटेक्ट में, वो इसको क्या करेगा, पुश करेगा ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। रेस्ट में है यानी v0, एक्सेलरेशन भी 0, लिखते हैं नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया 0, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, लेट ऊपर या नीचे कुछ भी लिख दीजिए, n-mg या mg-n दोनों चलेगा, इक्वल टू क्या हो गया 0, n बराबर आ गया क्या चीज, mg। ये जो n है बच्चों यही है क्या पता है,
वेट ऑफ ए पर्सन, लेकिन उसको हम ओरिजिनल वेट ना बोल करके पता है कौन सा वेट बोलते हैं, अपेरेंट वेट ऑफ ए पर्सन बोलते हैं, तो वो आ गया संजोग से एक्चुअल वेट के बराबर। समझो बात को, एन क्या है, अपेरेंट वेट, इसलिए कहते हैं वही अंगूठा वाला 10 ग्राम बढ़ भी सकता है घट भी सकता है कुछ भी हो सकता है, वो नॉर्मल रिएक्शन होगा, उसको हम लोग एक्चुअल वेट तो बोलेंगे ना। एक्चुअल तो समझ में आता है कि 10 ग्राम का मेरा अंगूठा था 10 ग्राम इनटू जी से गुना कर दो, दैट इज उसका वेट है। नॉर्मल रिएक्शन वो बढ़ सकता है घट सकता है, तो नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है क्या, अपेरेंट वेट ऑफ ए पर्सन। संजोग ऐसा है कि जब लिफ्ट रेस्ट में रहता है और उस पर खड़ा होंगे ना, तो मेरा जितना वजन है उतना ही रीड करके दिखाएगा, तो हियर इट बिकम्स एक इक्वल टू एक्चुअल वेट के बराबर हो गया। ठीक है, लिफ्ट इज एट रेस्ट। अच्छा अब देखिए जरा, लिफ्ट ऊपर जा रहा है कैसे, लिफ्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या तो ऊपर जाए या तो नीचे आए। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब हम जानते हैं एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। एक्सेलरेशन है नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम अगर आदमी का बच्चों बनाओगे, नीचे लगेगा देखो एम जी, सरफेस उसको दे रहा होगा एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ये तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे ना, इस पर क्या लग रहा है वो लिखते हैं हम लोग, तो है ना लग गया। ऊपर जा जरूर रहा है पूरा लिफ्ट, ग्राउंड से हम यहाँ देखेंगे तो देखेंगे, ठीक है हमको क्या नजर आएगा लिफ्ट में, आदमी भी हमको किधर नजर आएगा, ऊपर ही जाते हुए, कितना से, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। लिखते हैं यहाँ पर नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो भैया एन बराबर यहां से भी क्या आ जाएगा, एम जी। दिस इज क्या है, अपेरेंट वेट, यानी फिर से अपेरेंट वेट क्या होगा, एम जी के ही बराबर, एक्चुअल वेट के बराबर होगा। अब बच्चों ऊपर जा रहा है एक्सेलरेट करके और एक बार जो है नीचे आएगा, देखते हैं डायरेक्ट। अब लिखो आदमी है नीचे, एम जी लगेगा, देखो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ऊपर जा रहा है, तो हम ग्राउंड से जब देखेंगे तो हमको क्या नजर आएगा, लिफ्ट में आदमी, लिफ्ट जा रहा है तो भाई आदमी भी तो हमको ऊपर नजर आएगा जाते हुए, कितना से, ए से। तो बनाइए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एन बराबर देखो यहाँ क्या आ जाएगा, एम जी प्लस एम ए, यानी कि अपेरेंट वेट जो है ना, जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करता है तो बढ़ जाएगा, एक्चुअल से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। सूडो फोर्स जब समझाऊंगा ना तो रियल चीज़ बताऊंगा कि क्या है, लेकिन उसके बारे में भी हम जिक्र नहीं करने वाले हैं, ठीक। अपेरेंट वेट इंक्रीज कर जाता है। तारामाची ये समझते हो बच्चों, वो जो गोल वाला मेला में लगा हुआ ना, तब बड़का सा गोल का तारामाची, हाँ, तो जब ऊपर चढ़ता है ना तारामाची तो बड़ा मजा आता है, वाह पूरा मेला ग्राउंड हम लोग को नजर आता है, वाह क्या बात है। लेकिन जब ऊपर से फेंका करके जब नीचे आता है तो ऐसा लगता है ये हार्ट जो है ना चला गया ऊपर। मेरे को बहुत डर लगता है, याद भी नहीं है पता नहीं कितने साल पहले मैं चढ़ा, मैं नहीं चढ़ता हूँ, बहुत डर लगता है जब नीचे आता है तो लगता है कि चल ही जाएंगे, पता नहीं सच में नीचे आएंगे कि नहीं, तो ऐसे जो गोल घूमता है, ठीक। ये देखो अगर मान लो उस जो डोली होता है ना उसमें मान लो वेग मशीन रख दिया जाए और उस पर पकड़ के मैं खड़ा हो जाऊं, तो देखो ऐसे चल रहा है, तो जब नीचे से ऊपर जाएगा ना तो ऊपर जाते वक्त लगता नहीं है कि वाह, मतलब ना लगता है अपेरेंट लग रहा है कि हम लोग दबाते हैं सरफेस को ज़्यादा, क्योंकि ऊपर जब जाता है लिफ्ट जाए या तारामाची जाए तो हम लोग दबाते हैं, तो यानी कि ज़्यादा कस के दबाएंगे ना, तो 70 केजी वजन है तो आप देखो कि 75 80 90 तक भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है, बढ़ते जाएगा। लेकिन जब ऊपर से जब नीचे आने लगता है ना तो 70 से कम नजर आएगा, 70 60 50 ऐसे घटने लगेगा वेट, तो दैट इज वही नॉर्मल रिएक्शन है। जब ज़्यादा कस के दबा रहे हैं ऊपर जाते वक्त नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है, वही मेरा वेट रीड करता है। जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो हल्का फील होता है, लगता है बस चले ही गए हैं बस, फिर नीचे आते तो लगता है गए नहीं रुके हैं, भगवान रोक लिए हैं, तो घट जाता है पेरेंट वेट, ठीक है। ये तो यहाँ पर देखो बढ़ गया, नीचे आएगा तो घट जाएगा। आदमी का बना लेते हैं फिर से, एम जी लग रहा है, वेइंग मशीन ऊपर दिया, आ किधर रहा है ये नीचे की ओर, तो लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो बच्चों यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन देखो क्या हो जाएगा, वो इधर ये इधर, तो ये आ जाएगा एम जी माइनस कितना है एम ए, एम जी माइनस कितना हो गया एम ए, अपेरेंट वेट। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे पता है, अपेरेंट वेट क्या हो गया, एम जी जो एक्चुअल है उसमें से घट गया। अब ये देखो क्या है, व्हेन द लिफ्ट फ्री फॉल, या फिर कभी बोलेगा जो केबल उसके साथ अटैच है ना वो भैया कट हो गया या टूट गया केबल,
केबल जो है, हम लोग खड़ा थे लिफ्ट में, केबल भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन केबल टूट गया तो गिर गया यार। अभी तो ही ना देखो गुजरात में बच्चों जो है कल या परसों में कुछ एक न्यूज़ आया ना, एक झूलता हुआ पुल जो है अटका हुआ था, क्या हुआ उसको जो तार ये था वो टूट गया, क्या हो गया, फ्री फॉल, कितने लोग बेचारे जो है मर गए ना, 150 के अराउंड, बहुत बुरा हुआ। और पर्व त्यौहार के दिन ऐसा मतलब हुआ, तो ये वही है कि अगर ना कट हो जाए तो क्या हो जाएगा, फ्री फॉल। तो बाप रे, फ्री फॉल होगा तो बताओ कि ये कितना रीड करेगा उस समय, फ्री फॉल होते वक्त कितना मेरा 70 kg है, रीड कितना करेगा कि देखते हैं। तो फ्री फॉल होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पता है क्या बताता हूं, एक चीज, 20 तल्ला या 50 तल्ला जो फ्लोर है ना, 50 स्टोरी बिल्डिंग, उसके छत पे चले जाओ, एक वेइंग मशीन ले लो, ठीक है, जो रहता है ना रेलवे स्टेशन ये सब ऐसा, तो उसको ले लो और उस पर फेविकॉल पूरा लगा करके पैर उसके चिपका लो, चिपका लिए तो जब छत पर वहाँ पर खड़ा रहेंगे टॉप पे, 70 kg है तो रीड कितना दिखा रहा होगा, 70 kg, ठीक है, फेविकॉल से चिपका लिए उसको अपने पैर में नीचे, और क्या करो, शक्तिमान या फिर क्रिश कर लो, ठीक है, कूद जाओ वहाँ से कूद मत जाना, बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंट है ऐसे, कूद जाओ वहाँ से, सोचो 70 kg सरफेस पर आता, जब कूदोगे ना तो हवा में जब आते रहोगे नीचे, कितना रीड करेगा वो, यही सवाल है। फ्री फॉल कर रहे हैं मेरे साथ, वो अटैच तो है, हम खड़ा तो है वेइंग मशीन पर, तो रीड तो फिर से 70 kg करना चाहिए, बताओ कितना रीड करेगा, जीरो रीड करेगा बच्चों क्या रीड करेगा, जीरो। तो ऐसा कैसे, इसीलिए है कि हमारे खड़ा होने से वेइंग मशीन पर वो वजन नहीं बतलाता है, क्योंकि वहाँ भी हवा में भी खड़ा है फ्री फॉल में, लेकिन वो रीड जीरो करेगा, बोले हैं मेरा हाथ कोड़ सब टूट गया क्या, जीरो कैसे हो गया भाई, देखो नीचे लगा mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, खड़ा है उस पर तो नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा ही, क्योंकि सरफेस को दबा तो रहे हैं, ठीक है, अच्छा, लेकिन ए कितना है, ए है जी के बराबर, तो पहले ए पुट करके निकालते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, उधर एन चला गया, आ जाएगा mg माइनस ma, देखो एन गया उधर, वो आया इधर, लेकिन सिंस ए इक्वल टू क्या है, जी, mg चला गया, आंसर क्या आ गया, नॉर्मल रिएक्शन जीरो, यानी कि अपेरेंट वेट बिकम्स जीरो। इसी को बोलते हैं कि पर्सन जो है ना एक्सपीरियंस करेगा वेटलेसनेस, क्या एक्सपीरियंस करेगा, वेटलेसनेस, जो स्टीफन हॉकिंग जो ये सब सोचते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे कि भाई पृथ्वी पे ही सब कुछ है ना, इस तरह का ग्रेविटी फ्री स्पेस, जी इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो, जो अंतरिक्ष में होता है बच्चों ना, जी क्या है वहां, जीरो। तो यही हो गया अपेरेंट वेट, वेटलेसनेस, आभार ये फील होगा, वेटलेस। अच्छा नेक्स्ट है बच्चों मंकी प्रॉब्लम, लेकिन इसके अंदर ना एक और केस है, वो मैं डायग्राम यहां पर आप लोग के लिए बना नहीं पाया, कि अगर लिफ्ट इस तरह से है और ना वो आ रहा हो नीचे, ए एक्सेलरेशन कितना से पता है, ग्रेटर देन अगर जी से आ रहा हो तब क्या होगा लिफ्ट, अरे एक आदमी खड़ा है वेइंग मशीन पर, एक्सेलरेशन ए जो है बच्चों क्या है, अच्छा एक बोतल, उसमें पानी जो है ना, मैं अलग से कभी जो है ना आपको कोई वीडियो में दिखा दूंगा ऐसे कर करके, एक बोतल ले लो, ठीक है, एक बोतल, उसमें ना आधा पानी ऐसे भर लो, ठीक है, और उस बोतल को आप ऐसे छोड़ दो, फ्री फॉल करा दो, तो देखोगे पानी का जो लेयर, मान लो नीचे जितना है ना लेवल पानी, बस वो पानी वही रहेगा नीचे गिरते हुए, सिर्फ देखना। तो जब फ्री फॉल हो रहा है, यानी 9.8 meters per second से हो रहा है, तो पानी जो है सरफेस पर ही रहता है, मतलब जहाँ पर है वही, तो जितना स्पीड से गिर रहा है पता तो चलता है, अब क्या करो उससे ज़्यादा स्पीड से नीचे गिराओ, यानी बोतल को जो है ना ऐसे करना धड़ाक से, फ्री फॉल कैसे करता है, कितना स्पीड से पकड़ा गया ऐसे ना, कितना स्पीड से गिरा फील हुआ 9.8, ऐसे करते हैं धड़ाक से, तो ये ग्रेटर देन जी है, तो जब धड़ाक से करें ग्रेटर देन जी, देखोगे पूरा पानी जो नीचे था ना चला जाएगा किधर, ऊपर की ओर, बोतल है ना टाइट करके ऐसे उसमें हल्का पानी करना, धड़ाक से ऐसे करोगे पूरा पानी किधर चला जाएगा, ऊपर, बस वही चीज़ ऐसा कुछ है। अगर कोई लिफ्ट हो, जब छोड़ेंगे तो पता है 9.8 से फ्री फॉल कर रहा है, तो वेट मेरा जीरो हुआ, रहेंगे तो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन, जीरो का मतलब क्या होता है कि भाई सरफेस को एकदम छोड़ दिए, नॉर्मल रिएक्शन मतलब छोड़ दिए सरफेस को, लेकिन जस्ट समझो जस्ट कॉन्टैक्ट में ऐसा कुछ है, लेकिन जब एक ग्रेटर देन जी होगा ना, मतलब धड़ाक से लिफ्ट ऐसे कोई कर दे, तो पता है क्या होगा, धड़ाक से हम ऊपर चले जाएंगे, मेरा मूड़ी सट जाएगा ऊपर जैसे पानी चला गया ना ऊपर, तो मेरा मूड़ी किधर चला जाएगा, ऊपर। तो ये कैसे है, देखिए
नीचे क्या है भाई, ए, लेकिन वो ग्रेटर देन जी है, यानी कि ये समझो कि 11-12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कुछ, नीचे एम जी लग रहा है, सरफेस पर खड़ा है तो नॉर्मल रिएक्शन उसको दिया, आ रहा है नीचे की ओर, एम जी माइनस ए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एन उधर चला गया, एम जी माइनस एम ए होगा, ठीक है, लेकिन एम जी माइनस एम ए ये क्या है, ग्रेटर देन अगर जी बच्चों तो सोचो कि क्या होगा, ये है 9.8 और ये मान लो कि 12-15, फाइनली जो आंसर आएगा पता है क्या, नेगेटिव। क्या आ गया, ये नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आने का क्या मतलब होता है, यानी कि पर्सन दैट इज, इसका मतलब हुआ पता है क्या, पर्सन विल नॉट रिमेन ऑन द सरफेस, विल नॉट रिमेन ऑन द सरफेस, हिज हेड विल गेट स्टक टू द सीलिंग, हिज हेड विल गेट स्टिक टू द सीलिंग, स्टिक टू द सीलिंग, ये इसका मतलब हुआ। मूडी चला जाएगा पता है किधर, किधर चला जाएगा, ऊपर, तो आदमी जो है ना नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव का मतलब ही हो गया, देखो नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव कुछ है, मतलब हम सरफेस पर खड़ा हैं तो उधर से कुछ लगा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो का मतलब हुआ कि हमने सरफेस को जस्ट छोड़ दिया, सरफेस को बच्चों क्या किया, छोड़ दिया मतलब ना, मतलब जस्ट कहो टच नहीं कह सकते, नॉर्मल रिएक्शन जीरो का मतलब ये नहीं बोल सकते, टच, टच का मतलब होता है कि भैया कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, यानी नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट तो छोड़ दिए, लेकिन नेगेटिव का मतलब हुआ ना सीधा उड़िया गए, मुड़ी चला जाएगा किधर, ऊपर, हम यहाँ आ जाएंगे फाइनली। तो ये ठीक है, अब देखते हैं बच्चों जरा, एक आता है पता है क्या, मंकी प्रॉब्लम्स, बंदर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम, तो बंदर से रिलेटेड पहले हम लोग अपना आदमी का सोच लेते हैं, जरा देखिए, कोई एक रस्सी लगा हुआ हो है ना, पेड़ से कहीं टॉप से बंधा हुआ, और उस रस्सी पर हमको क्या करना हो, बढ़िया से खाली समझिए चीजों को, पकड़ पकड़ कर करके ऊपर चढ़ना हो, तीन केस देखेंगे, पकड़ करके ऊपर चढ़ेंगे, फिर नीचे आएंगे पकड़ करके, एक बार पकड़ के बस हल्का सा लूज करके सर 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 आते हुए नीचे आएंगे, ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, रस्सी छोड़िए देंगे, तब क्या क्या होगा, रस्सी को जब हम पकड़ करके ऊपर चढ़ते हैं तो देखिए एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम रस्सी को क्या कर रहे हैं और रस्सी मेरे को क्या कर रहे हैं, ये समझना है। तो रस्सी को पकड़े और पकड़ करके कस के खींचते हैं, उसके बाद ऐसे पकड़ते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, रस्सी को पकड़ करके बच्चों है ना ऐसे हम लोग खींचते हैं, तो भाई मेरा और रस्सी के बीच कॉन्टैक्ट पॉइंट है, रस्सी है स्ट्रिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा स्ट्रिंग के कारण, खींचने वाला मतलब है ना पुलिंग नेचर का लगा, तो हम पकड़ के खींचिए नीचे, रस्सी मेरे को खींचा किधर, ऊपर, तो इसका मतलब जब हम ऊपर चढ़ेंगे ना तो रस्सी मेरे को कर क्या रहा है, टेंशन फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, क्योंकि हम ऐसे नीचे खींचते हैं, ठीक। तो जैसे मंकी प्रॉब्लम, एक बंदर है, मंकी इज होल्डिंग द रोप एंड इज एट रेस्ट, रोप को पकड़े हुए, तो भाई मंकी का मास है एम, तो नीचे एम जी लग रहा है, वो उसको पकड़े हुए, रस्सी को पकड़े हुए, एम जी नीचे लग रहा है, रस्सी को खींच रहे नीचे की ओर, तो रस्सी मेरे को क्या करेगा, मेरे को खींचेगा ऊपर की ओर, जितना से आप पकड़ करके खींचोगे उतने से वो ऊपर, दोनों के कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, तो ये हो गया टी, है रेस्ट में तो वी इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन भी जीरो। जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसका, बंदर का, नीचे लग रहा है एम जी, ऊपर लग रहा है टी, एक्सेलरेशन है जीरो, बच्चों क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जीरो, तो टी बराबर देखो क्या आ जाएगा, एम जी, यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग या रोप पूछा जाता है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर, ठीक। अगर आदमी ऊपर चढ़ रहा हो, दूसरा केस देखिए क्या है, कि व्हेन मंकी इज मूविंग स्लोली अपवर्ड, ये पूरा फिजिक्स में जब भी बोलेगा ना स्लोली, स्लोली का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज जीरो, स्लो कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है भैया, जीरो, इसका मीनिंग ही होता है बच्चों, स्लोली का मीनिंग होता है एक्सेलरेशन इज जीरो, सॉरी एक्सेलरेशन जीरो है मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि ऊपर जा जरूर रहा है या नीचे आ रहा है, अपवर्ड जा रहा है लेकिन स्लोली, स्लोली का मतलब हो गया एक्सेलरेशन जीरो, फिर जा जब ऊपर रहा है, रस्सी को देख लिए कि नीचे खींचा तो रस्सी मेरे को खींचेगा किधर, ऊपर, नीचे लगेगा एम जी, बना लीजिए डायग्राम, नहीं लग रहा, बड़ी आसान हो गया, समझ में आ गया फिर सब, ठीक है, जा रहा है ऊपर कितना एक्सेलरेशन से, जीरो, तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू इतना, टी बराबर आ गया क्या चीज, एम जी,
फिर से टेंशन इन द रोप किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर। तो ऐसा बोले तो टेंशन इन द रोप पूछता है, निकाल लेंगे। नेक्स्ट, मूव अप कर रहा हो विथ एक्सेलरेशन। अब हमको समझ में आ गया, अगर रस्सी में ऊपर चढ़ा तो हम रस्सी को नीचे, रस्सी मेरे को ऊपर, तो टेंशन हमेशा किधर बना देंगे, ऊपर की ओर। एक्सेलरेशन से जा रहा है, टेंशन ऊपर, नीचे है एम जी। फ्री बॉडी डायग्राम बंदर का, इसका ये लगा, टेंशन ऊपर, ये तो टी माइनस क्या हो गया बच्चों, एम जी। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू टी बराबर हो जाएगा एम जी प्लस एम ए। ये हो गया, देखो T इक्वल टू क्या आ गया, एम जी प्लस एम ए, यानी कि टेंशन इन द रोप क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी रस्सी और टाइट होने लगा, टाइट होने लगा, टाइट होने लगा। तो जब हम ऊपर जाने लगेंगे, बहुत स्पीड से जाएंगे, हो सकता है रस्सी टूट जाए, रस्सी में जो खिंचाव आएगा वो बढ़ते जा रहा है, और आप एक्सेलरेशन से जा रहे हो, एक्सेलरेशन जाते जा रहे हो, भयानक एक्सेलरेशन, दन 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 दन, बहुत बढ़ेगा, तो ये बहुत बढ़ेगा, रस्सी विल ब्रेक एट ए सर्टेन पॉइंट। तो इसमें ब्रेक हो सकता है। डीपीपी के अंदर बच्चों मैं और भी सवाल डालूंगा, है ना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट इतना चीज सीख रहे हैं ताकि जो है और अच्छे लेवल का सवाल जो है वहाँ पर आप हैंडल कर सको, ठीक है, मंकी रिलेटेड, ये रिलेटेड सब। व्हेन मंकी इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ए, अब सोचो जब रस्सी है और हमने रस्सी को पकड़ करके ही नीचे आ रहे, भाई 50 तल्ला बिल्डिंग इतना ऊंचा से एक रस्सी लगा, उसको पकड़ करके हम नीचे आ रहे, कैसे आएंगे? तो सोचो एक रस्सी को ऐसे पकड़े हुए, बोले बाप रे इतना नीचे है, उसके बाद क्या करेंगे, एक हाथ ऐसे किए, उसके बाद ऐसे दूसरा पकड़ेंगे, ऐसे करके हाथ दूसरा पकड़ोगे ना, तो सोचो जब तक आप दूसरा पकड़ रहे हो तो पहला वाला क्या किए हुए हैं, पकड़े ही हुए तो हैं रस्सी को, और उसके बाद फिर पकड़ करके फिर छोड़ते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऐसे पकड़ते हैं। तो भाई एक को पकड़े हुए, हाथ ऐसे गया, क्या कर रहे हैं, रस्सी को खींच किधर रहे, पूरा मेरा वजन किधर, रस्सी को खींच रहा है किधर, नीचे की ओर, रस्सी मेरे को किधर खींच रहा है, ऊपर की ओर, यानी फिर से टेंशन किधर लगेगा, ऊपर ही लगेगा। दूसरा हाथ जब रखेंगे, पहला छोड़े ऐसे करके, फिर क्या है, वजन मेरा नीचे ही, यानी कि रस्सी को फिर से हम खींचते हैं नीचे, टेंशन इन द स्ट्रिंग किधर लगता है, ऊपर ही। बड़ा अच्छा चीज़ है, चाहे बंदर ऊपर जाए रस्सी के सहारे, या नीचे आए, या कांस्टेंट स्पीड से नीचे आए, या कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाए, फर्क नहीं पड़ता है, टेंशन ऑलवेज एक्ट इधर, क्योंकि हमेशा हम रस्सी को पकड़े ही रहते हैं, खींचते ही रहते हैं, ठीक। तो क्या करें, ऊपर टी, नीचे एम जी, नीचे ए, यानी कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इन टू, तो टी चला गया उधर, ये आ गया इधर, तो एम जी माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, एम ए। यहाँ पर टेंशन क्या होने लगा, घटने लगता है, टेंशन क्या होने लगता है इन द स्ट्रिंग, एम जी एक्चुअल वेट माइनस एम ए। बच्चों एक सवाल है जरा, ठीक है, ये ऐसा करता हूँ, पता है क्या है ना, सब चीज़ बताई गई, देखिए ये एच सी वी का सवाल है, एच सी वर्मा में दो मंकी बेस्ड है बच्चों, लेकिन मैं डी पी पी में डाल दूंगा, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा सारा लेक्चर, ये सब सब जो भी है ना डी पी पी का सॉल्यूशन वगैरह, सब प्लेलिस्ट के अंदर है, प्लेलिस्ट में देखोगे सिस्टमेटिक लेक्चर लेक्चर लेक्चर, दो तीन लेक्चर पे बेस्ड जो भी डी पी पी है सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप खुद से भी ट्राई करिएगा, ऐसे डी पी पी में आप सॉल्यूशन देख ही लीजिएगा, और पी डी एफ जो है बच्चों उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। तो ये रहा, तो उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आया होगा, बस प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, और बिंदास बिना टेंशन का बच्चों अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, थैंक यू।